अस्सलाम वालेकुम, मेहर अली वान प्रॉपर्टी इंसाइडर्स में दोबारा आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपको दोबारा सेक्टर एम का रिव्यू लेके आए। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इसकी डिमांड है और ये बहुत 5 मरले का सेक्टर है जिसकी 50 फीट स्ट्रीट्स हैं बैरियर टाउन में। ये आप देख सकते हैं कि सेक्टर एम का बोर्ड हमें नज़र आ रहा है और ये जो बड़े मेगा कमर्शियल्स हैं सेक्टर एम के कमर्शियल हैं, ये इसमें तकरीबन कोई 3.5 कनाल वाले भी हैं, 4 कनाल के भी हैं। तो ये सेक्टर एम एम राइट नाउ एंटर हुए हैं। रोड बी है, 60 फीट इसका जो है वो साइज़ है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो कमर्शियल्स हैं उनकी बैक नज़र आ रही है और यहाँ पे राइट साइड पे सेक्टर एम है। जीटी रोड से इसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 12 किलोमीटर का है और वीए जापान रोड ये मैक्सिमम 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका और ट्रेवल डिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम इसका 17 से 18 मिनट्स का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस रोड है यहाँ से हम डायरेक्ट एंटर होते हैं रोड नंबर 1 में। रोड नंबर 1 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे खूबसूरत, लेफ्ट साइड पे आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रीट्स में आपको रेट्स बताता चलूँगा, यहाँ पे रेट सिस्टम तकरीबन कोई 70 से 75 का रेंज रेट चल रहा है। 75 की यहाँ पे इस एरिया में डिमांड हो रही है क्योंकि ये एरिया बहुत रोड के जो बैरियर एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर ये बिल्कुल करीब तरीन है और बहुत ही यहाँ पे लिमिटेड टाइम में जो हैवी कंस्ट्रक्शन हुई है, बिल्डर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और इस वजह से इसका जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम इन्फ्लेट कर चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे प्लॉट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी हुई है और इस टाइम आप अगर अभी भी प्लॉट ख़रीदना चाहें तो इस टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लॉट मार्केट में मार्केट प्राइस से हम आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ये स्ट्रीट 1 पे लेफ्ट पे राइट पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम मुकम्मल तौर पे एरिया लिवेबल है और इस टाइम हमारे पास जो है प्लॉट अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे घर बनाएं तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्डर्स ने माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाया है। साल पहले की बात करूँ तो वहाँ यहाँ पे एक साल पहले मैक्सिमम रेट था कोई 50 के राउंड अबाउट रेट चल रहा था और आज आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेवलपमेंट है उस वजह से रेट्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया। अभी मैं स्ट्रीट नंबर 13 से यहाँ पर राइट लिए, मैंने स्ट्रीट नंबर 13 पर मेरे पास राइट लिए, इसके बाद मेरा स्ट्रीट 7 है, स्ट्रीट 9 है और ये वाटर हेड टैंक भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का बिल्कुल कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल सुई गैस अभी यहाँ पे नहीं है इस सेक्टर में, लेकिन अन करीब यहाँ पे सेक्टर भी आपको यहाँ पे गैस मिलेगी और यहाँ जब भी यहाँ पे गैस पहुँचेगी तो इसका रेट्स में मिनिमम 5 लाख में इसको इजाफा देख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रीट बाय स्ट्रीट रिव्यू आपको काफ़ी सेक्टर्स की दिखाई है ताकि आपको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, वहीं बैठे हैं आप ओवरसीज़ हैं या आप सर्विसेज वाले लोग हैं तो आपको यहीं पर बैठ के आपके मोबाइल पर ही राइट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेवल सेक्टर है यहाँ पे और इसमें आपको डिफरेंट जो है वो स्ट्रीट्स में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 8 है और ये स्ट्रीट नंबर 8 जो है ये भी 50 फीट है। यहाँ पे मैं बात करूँ अमेनिटीज़ की तो यहाँ पे हमारे पास पानी जो है वो सप्लाई का पानी है, हमारे पास अनइंटरप्टेबल अंडरग्राउंड वायरिंग है, हर एक फुटपाथ जो बना हुआ है प्लॉट के आगे वो भी आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रीट लाइट भी नज़र आ रही हैं, जनरेटर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि ये जो डेवलपमेंट है बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है बैरिया ने और यहाँ पर जो लिवेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में है 5 मरले के अंदर। 5 मरले में बेसिकली जो है एम सेक्टर में 5 मरला है और 8 मरला है। जो 5 मरला है उसका जो साइज़ है वो हमारे पास 25x45, 25x45 और 8 मरला 30x60 है। ये जो लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है ये जगह लोकेट की गई है कमर्शियल्स की और कमर्शियल्स की पार्किंग है तकरीबन 1 से लेकर 15, 2 मरला के यहाँ पे कमर्शियल्स हैं यहाँ पे। और दोबारा हम स्ट्रीट नंबर 18 की तरफ आ गए हैं और स्ट्रीट नंबर 18 से हम आपको दोबारा बताते चलें कि यहाँ पे इस टाइम जो हमारे पास प्लॉट्स हैं वो जो रेंज है वो इस टाइम मिनिमम रेंज है वो 67-8 से लेके और 75 का 5 मरले का और 8 मरले के जहाँ पे रेट है वहाँ पे इस टाइम 80 से लेके और 1 करोड़ रुपए तक यहाँ पे रेट्स हैं। तो 8 मरले की प्लॉट्स बहुत कम हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 50 प्लॉट्स हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लोकेशन पे हैं हमारे पास थोड़ी सी तादाद में। इस सेक्टर में हमारे पास मैं बात करूँ तो मस्जिद की जगह दी गई है, दो हमारे पास कमर्शियल्स हैं, इसके अलावा पार्किंग है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बैगर जो है अपार्टमेंट्स की जगह वो भी एलोकेट की गई है। तो इस सेक्टर को दो साइडों से, एक तो हमारे पास बैरी एक्सप्रेस वे लग रहा है और दूसरी साइड से हम जो इसका लिंक रोड है 120 फीट का, ये हम आपको स्ट्रीट नंबर 27 से दोबारा लेके जा रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पे आप देखें तो ये दोबारा ये देखें सामने आपके सेक्टर के नज़र आना शुरू हो गया। ये जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ये जो नंबर है सीरीज़ है यहाँ पे, ये तकरीबन जो नंबर इनके चल रहे हैं वो 900 की सीरीज़ चल रही है और यहाँ पे जो प्लॉट का रेट है वो 75 लाख के राउंड अबाउट है जो बुलेवार्ड बैक है। तो ये लेफ्ट में मेरा सेक्टर के है और राइट पर बिल्कुल जो मैं स्ट्रेट मूव करूँ तो सेक्टर आता है एल
और जो हाथी चौक मशहूर है ये रोड उसकी तरफ जा रही है। तो इस टाइम हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, आप अभी इन्वेस्टमेंट करें। और जो बिल्डर्स हज़रात हैं जो यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जो इन्वेस्टर रेट्स हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि स्ट्रीट बाई स्ट्रीट रिव्यू दें ताकि आपको ऑन ग्राउंड बैठे आपको रियलिटी से हम बताते चलें। ये स्ट्रीट नंबर 37 है और अभी हम चलते हैं राइट नाउ जो सेक्टर एल की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ से जो बिग रोड है उसकी तरफ हमारा एंड होगा और वो रोड ए है। रोड ए और रोड बी जो इसके सर का जो सेक्टर एम है वहाँ से आउटर की तरफ वहाँ पे 60 फीट से इसको कवर किया गया है और एक साइड इसकी 120 फीट है और दूसरी साइड जो इसकी कवर की गई है वो हमारे पास मिडल रिंग रोड है, वो है हमारे पास 200 फीट का। तो ये यहाँ पे हमारा सेक्टर एम का रिव्यू ख़त्म होता है। सेल परचेज़ के हवाले से मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करूँ तो ये आप लेफ्ट साइड पे देखें, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और रिव्यू के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।